हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमिनस लेट्स क्रैक इट। इस वीडियो में मैं आपको एमिनस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगी। एंड एज यू ऑल नो, एमिनस का पेपर कभी पब्लिक नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने खुद कलेक्ट किए हैं एंड थोड़े मेमोरी बेस्ड है। सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीबायोटिक फ्लेविसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। एंटीबायोटिक फ्लेविसिन किससे ऑब्टेन होती है? ऑप्शंस आर एस्परगिलस फ्लेविस, एस्परगिलस डेवेटम, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रुएसिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस फेरेडिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एस्परगिलस फ्लेविस। हम इसको एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं, फ्लेविसिन एंड फ्लेविस ये थोड़े रिलेटेबल है, बट ये ट्रिक सब में वर्क नहीं करती है, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, टाइपिस्ट, टाइपराइटर एंड राइटर। अगर टाइपिस्ट टाइपराइटर यूज़ करता है तो राइटर क्या यूज़ करेगा? ऑप्शंस आर स्क्रिप्ट, पेन, पेपर एंड बुक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेन, ऑप्शन बी। द क्रिस्टल ऑफ लेड जर्कोनेट इज अ की कंपोनेंट ऑफ। अभी लेड जर्कोनेट क्या होता है वो जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम PZT भी बोलते हैं और ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे भी वर्क करता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एप्लीकेशन है जो हमने हमारे घर में देखा होगा, गैस लाइटर्स होते हैं, तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सोनोग्राफी। सोनोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेंट, आर्टिस्ट, वुड, फर्नीचर। आर्टिस्ट अगर पेंट करता है तो वुड किससे रिलेटेड होगा? फर्नीचर से। एंटीफिडेंट प्रॉपर्टी अकर्स इन। पहले एंटीफिडेंट क्या होता है हम वो जान लेते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं खुद के अंदर टू इनहिबिट द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स एंड ग्रेजिंग एनिमल्स, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एजाडिकेटिन, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेटेस्ट ट्रेंड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल, ये माइक्रोबायोलॉजी वाला जो चैप्टर है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बायोलॉजिकल कंट्रोल। सिल्क इज द सीक्रेशन ऑफ। सिल्क किसका सीक्रेशन है? तो ऑप्शंस आर सेफेलिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, बकल ग्लैंड एंड सेलिवरी ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेलिवरी ग्लैंड। बकल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? इनर साइड ऑफ द चीक्स, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ। एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग है? ब्लैडर, वेजाइना, यूट्रस एंड ओविडक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूट्रस। यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम इनर है, मायोमेट्रियम मिडल एंड पेरीमेट्रियम आउटर। विच एनिमल हैज गॉन एक्सटिंक्ट इन रिसेंट टाइम्स इन इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है एंड आया भी हुआ है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एकिनोनिक जुबेटस, इसको हम चीता भी बोलते हैं, चीता। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमंस। तो ऑप्शंस आर, इट इज मेरोब्लास्टिक, इट स्टार्ट्स व्हाइल द एग इज इन फेलोपियन ट्यूब, इट इज आइडेंटिकल टू नॉर्मल माइटोसिस, इट स्टार्ट्स व्हेन द एग रीचेस इन यूट्रस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्लीवेज क्या होता है, हम क्लीवेज कैसे बोलते हैं? जब जायगोट होता है वो माइटोटिक डिवीजन में जाता है, नॉट मियोसिस, इट्स माइटोटिक डिवीजन में जाता है, तो उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्लिमैक्टेरिक क्या है? क्लिमैक्टेरिक ऑप्शंस आर अ फिनोमिनन रिलेटेड टू फ्रूट राइपनिंग, एंड सेकेंड ऑप्शन इज द कंडीशन ऑफ अ प्लांट व्हेन ऑल इट्स रूट्स आर ऑलमोस्ट राइप। ऑप्शन नंबर 3, द कंडीशन ऑफ अ प्लांट व्हेन मोस्ट ऑफ इट्स लीव्स हैव टर्न्ड येलो, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा अ फिनोमिनन रिलेटेड टू फ्रूट राइपनिंग। अभी ये एक थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन हैं और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, एंटर अ कंट्री एज एन एनिमी। ऑप्शंस आर डिफेक्ट, स्पाई, इनवेड और ओवरकम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनवेड। स्पाई मतलब किसी का पीछा करना, वैसा कुछ।
क्वेश्चन नंबर टू, प्लांट्स ऑफ अ रीजन. तो जनरली इसमें स्टूडेंट्स फ्लोरा एंड फोना में कंफ्यूज होते हैं, तो इसको लर्न करने का एक ट्रिक है. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लोरा. एंड इसको लर्न करने का एक ट्रिक है कि फ्लोरा इज रिलेटेड टू फ्लावर. तो फ्लावर इससे हम लर्न कर सकते हैं कि प्लांट्स ऑफ अ रीजन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा फ्लोरा. एक्सप्रेशन नो लॉन्गर इन करेंट यूज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एरिस्टिक. एंड एक और वर्ड होता है ऑप्सिलेट. ऑब्सोलीट को हम बोलते हैं थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर इन यूज और आउटडेटेड, आउट फैशन. तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है. तो क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें हमें सिनोनिम विच वन ऑफ बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग. तो इसमें हमें सिनोनिम फाइंड आउट करना है. तो हमारा वर्ड है फ्लिम्जी. अभी फ्लिम्जी का मतलब क्या होता है हमें वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो फ्लिम्जी का मतलब होता है वीक. ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. मिंगल, मिंगल का मतलब क्या होता है ये फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे. तो मिंगल का मतलब होता है ब्लेंड. इसके सिनोनिम्स है कमेंस. कमेंस का सिनोनिम क्या होता है? कमेंस मीन्स टू स्टार्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टार्ट. यहाँ पे हमें एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं. तो हमारा क्वेश्चन है रिफाइनमेंट. रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है? रिफाइनमेंट मतलब अनवांटेड पार्टिकल्स या उनको निकालना. और तो फिर इसका अपोजिट होगा कोर्सनेस. कोर्सनेस मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग टफ और हार्श. और रिफाइनमेंट का मतलब होता है काइंड, क्वालिटी ऑफ काइंडनेस. ठीक है, इसका अपोजिट होगा क्वालिटी ऑफ बीइंग टफ एंड हार्श, कोर्सनेस. बिलेटेड, बिलेटेड हम जनरली हमारे फ्रेंड्स को विश करते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मतलब जो बीत गया. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शंस आर प्रीमेच्योर, आउटडेटेड, डिलेड एंड डिफर्ड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रीमेच्योर. ठीक है, प्रीमेच्योर इज करेक्ट ऑप्शन. बी रेवरेंस. रेवरेंस का एंटोनिम क्या होगा? कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट करना. ओके, कंटेम्प्ट मतलब टू डिसरिस्पेक्ट. एंड रेवरेंस मतलब टू रिस्पेक्ट, इसका अपोजिट है. क्वेश्चन नंबर 10, हमें यहाँ पे वापस से वन वर्ड्स की स्लाइड रिपीट हो गई है, इसको छोड़ो. हमें ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं दो जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं. तो हम देखते हैं टेकिंग यू फॉर अ राइड. टेकिंग यू फॉर अ राइड मीन्स टॉकिंग यू इन अ कार, ट्राइंग टू पुश यू, पुलिंग यू अलॉन्ग, या ट्राइंग टू ट्रिक यू. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्राइंग टू ट्रिक यू. फायर क्राई. फायर क्राई इट्स ऑप्शंस आर अ लॉन्ग वे ऑफ, एन इमोशनल जर्नी, अ बोरिंग जर्नी, नॉट टू लॉन्ग अ वे. तो इसका ऑप्शन होगा अ लॉन्ग वे ऑफ, ये करेक्ट आंसर है इसका. एग्जाम में जनरली ऐसे ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम आते हैं जो हम जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं. अब साइंस पोर्शन में आते हैं. विनेगर. विनेगर क्या है? विनेगर सबको पता है, एसिटिक एसिड. तो फिर क्वेश्चन तो सिंपल है, बट क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए उसके ऑप्शंस को डिफिकल्ट बना देते हैं. तो यहाँ पे होगा उसका करेक्ट आंसर डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन. लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? सिट्रिक एसिड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ फॉसिल. स्टडी ऑफ फॉसिल को हम क्या बोलते हैं? एथोलॉजी, एटियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड पैंटियोलॉजी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैंटियोलॉजी. एथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करने को बोलते हैं एथोलॉजी. ठीक है, एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉज, ओरिजिन और रीजन बिहाइंड द डिजीज, उसको हम बोलते हैं एटियोलॉजी. और एंथ्रोपोलॉजी, ये आपको पता ही होगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी. ऑर्निथोफिली अफेक्टेड बाय. ऑर्निथोफिली हम सबको पता है, ऑर्निथोफिली मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स. और पॉलिनेशन बाय बर्ड्स को भी ऑर्निथोफिली बोलते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर. ऑप्शंस आर एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड एल्जाइमर डिजीज. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्जाइमर डिजीज. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज अ ह्यूमन सेल कंटेन. एक ह्यूमन सेल डिप्लॉयड होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड हैप्लॉयड सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. इन क्रोमोसोम्स का पता होगा आपको 23 पेयर्स होते हैं जिसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं एंड वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है जो मेल एंड फीमेल दोनों में डिफर करता है. तो जो हमारी बॉडी में एक मेल और फीमेल में जितने भी डिफरेंस होते हैं सिर्फ इस क्रोमोसोम की वजह से, एक्स एक्स एंड एक्स वाई की वजह से. सो गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. मैं इससे भी ज़्यादा आप जो जो टॉपिक पे मुझे कमेंट करके बताओगे वो टॉपिक पे मैं भी वीडियोज़ लाऊंगी. एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है एमिनिस्ट लेट्स क्रैक इट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड इसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी. थैंक यू.